पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने कलमबंद हड़ताल करते हुए मांग की है कि प्रशासन जब तक उनकी पदोन्नति और स्थायीकरण समेत 18 सूत्री मांगों पर विचार नहीं करता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही आरोप लगाया है कि पिछले एक वर्ष से उच्च अधिकारी उनकी मांगों को लेकर टाल मटोल करते रहे हैं। आज आप लोग हड़ताल पर हैं, हड़ताल का क्या कारण है, उसका उद्देश्य क्या है, कलम में हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, ये मिनिस्टर एसोसिएशन का जो है प्रांतीय पदाधिकारियों के निर्देश पे हड़ताल किया गया है। इसमें जो है हमारे कर्मचारियों का स्थायीकरण नहीं हो रहा, प्रोन्नत नहीं हो रहा और ज्येष्ठता सूची में जो है नामांकित नहीं हो रहा, जिससे ये सब समस्याएँ आ रही। और सहायकों हेतु आवास के लिए पूर्व में भी कहा गया था कि जो भी हमारे सहायक हैं उनके लिए आवास बनवाए जाएँ, वो भी विचाराधीन है और उस पर अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी के परिपेक्ष में जो है प्रांतीय आह्वान पर ये हड़ताल किया गया है। हड़ताल कब तक चलेगी? हड़ताल अभी 4 दिनों से चल रही है, 2 दिन 3 और 4 में काली पट्टी बांध के काम किया गया है और 2 दिन कलमबंद हड़ताल किया गया है। 6, 7 और 8 तारीख को जो है मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र के यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और फिर भी मांग नहीं मानी गई तो 8 तारीख को प्रमुख अभियंता कार्यालय का घेराव किया जाएगा।